Hey, welcome back. I am Ram sir from Ashoka Classes, Sapra and Ajitgarh. आपका वर्ब की क्लास में फिर से स्वागत है. फिर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. स्वागत, वेलकम टू यू. हम बात कर रहे थे वर्ब की फॉर्म्स की बात कर रहे थे, V1, V2, V3, V4, V5, V6. तो हमने आपको बीच में से उठाया, V4 बनाना सीखा है, V6 बनाना सीखेंगे, V5 बनाना सीखेंगे, V1, V2, V3 सीखेंगे. तो फिलहाल सीख रहे हैं V4 की क्लास मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए आप, V4 कैसे बनता है. आज अपन ओनली 2 रूल्स पढ़ेंगे V5 बनाने के, वर्ब की 5 फॉर्म बनाने के. 5th वाली जो फॉर्म होती है वो कैसे बनती है, चलो दोस्तों देखते हैं. लेट्स बिगिन. वर्ब की 5th फॉर्म, या ऐसे बोल सकता हूँ 1st फॉर्म, एस या ES, बात वही है. 5th वाली फॉर्म बोल दो, 4th वाली बोल दो, बात एक ही है. 4th वाली होती है 1st फॉर्म में ing लगाना, 5th वाली में वही बात है 1st फॉर्म में होती है. V4 भी 1st फॉर्म में होती है, V5 भी 1st फॉर्म में होती है, लेकिन उसमें ing होता है 4th वाली में, 5th वाली में ऐसे ही एस होता है. अब आपको ऐसे एस लगाना नहीं आता है, चाहे आप किसी नाउन में ऐसे एस लगाओगे, चाहे किसी वर्ब में ऐसे एस लगाओगे, यही रूल काम करेगा, यही रूल काम करेगा. नाउन में ऐसे एस लगाते हैं, नाउन बनता है प्लूरल. वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं, वर्ब बनती है सिंगुलर. मेरी 1st वाली क्लास में देखिए आप, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं जिनमें ऐसे एस लगा होता है, सिंगुलर वर्ब. जिनमें ऐसे एस नहीं लगा होता है, प्लूरल वर्ब. लेकिन नाउन उल्टा होता है, नाउन और वर्ब दोनों ही समझा दूंगा आपको. लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ब के अंत में ओ, सी एच, सी डबल एच, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड, तो आपको ई एस लगाना है. इनके अलावा जो अदर वर्ड होते हैं उनमें आपको एस लगाना. ओ, सी एच, सी डबल एच, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड, आपको कितने वर्ड हैं, ओनली 7 लेटर हैं. 7 लेटर्स को याद करना है, ओ, सी एच, सी डबल एच, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड. किसी नाउन के, किसी वर्ब के अंत में आते हैं तो ई एस लगाना है, अदर के साथ एस लगाना है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, जी ओ, टी ई ए सी एच, एम आई डबल एस, डब्ल्यू ए एक्स, ये जो आपके सामने कुछ वर्ब लिखे मैंने, लास्ट में ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, सी डबल एच आ रहा है, बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं. आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी वर्ड मिलेंगे जिनके लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, सी डबल एच आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, पी यू एस एच, पोस. और भी एग्जाम्पल बता दूंगा मैं सभी के भी, फिलहाल इनको देखो. ओ आया लास्ट में, आपको ये वर्ब कौन सी वर्ब है, ये V1 है, ये प्लूरल वर्ब हैं जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है. वो वर्ब क्या होती हैं, क्या होती हैं, जिनके साथ एस एस होता है वो वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब, और जिनके साथ एस एस नहीं होता है, इनके साथ एस एस नहीं लगा हुआ है लास्ट में, तो क्या वर्ब हैं, ये कौन सी वर्ब हैं, ये प्लूरल वर्ब हैं. अगर आप इनमें एस एस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएंगे. ओ में लगाओ, जी ओ ई एस, गोट्स, टीचेज, मिसेज, वैक्सेज, पुसेज. ये देखो सभी के लास्ट में आपको ई एस लगाना सिखाया मैंने, ई एस कैसे लगता है. इसमें लगा ई एस, ई एस, ई एस, क्योंकि इनके लास्ट में ओ, सी एच,
सी डबल एच डबल एस एस एच एक्स जेड आता है तो ई एस लगाना है, अदर के साथ एक्स लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नेक्स्ट बिगिन स्टार्ट करते हैं। और देखिए एग्जांपल जैसे है ई ए टी सी डबल ओ के एच ई एल पी डब्ल्यू आर आई टी ई राइट मैक टेक एम डब्ल्यू टी टॉक स्पीक थिंक और भी होती हैं, बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं। आप जिनके लास्ट में ओ नहीं आता है, सी एच नहीं आता है, सी डबल एच नहीं आता है, डबल एस नहीं आता है, एस एच नहीं आता है, एक्स नहीं आता है, जेड नहीं आता है, ये उनमें तो ई एस लगेगा। बोलो इनमें कोई सारा है? ओ सी एच सी डबल एस एस एच एक्स जेड कोई सा सेवन लेटर में से नहीं आ रहा है, आप इनमें एस लगा दो, ये भी सिंगुलरी बन जाएंगी। बोलो ईट में क्या लगेगा? एस कोक्स हेल्प्स राइट्स मेक्स टेक्स मीट्स टॉक्स स्पीक्स थिंक्स। बोलो सभी के लास्ट में आपको एस लगा है, मैंने क्यों लगाया? इसका रीजन पता लग गया होगा आपको, क्योंकि इनके लास्ट में ओ सी एच सी डबल एस एस एच एक्स जेड नहीं आया है, इसलिए सर हमने एस लगा दिया। अगर वो आते तो ई एस लगा देते। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एम आई एक्स मिक्स पास एज इज, इनमें आप क्या लगाओगे? इनमें एस लगाओगे या ई एस लगाओगे? और देता हूं आपको सी ए टी सी एच ए डबल टी ए सी एच अटैच, ये कुछ वर्ब हैं जिनमें आपको एस या ई एस लगाना है। और भी एम जी यू ई डबल एस गैस, मिक्स करना मिश्रण करना पास होना जानते हो, एज इज आकलन करना, कुछ अलग आपको लगे ट्रांसलेशन बता दूंगा, कैच मिस पकड़ना होता है, अटैच मिस जोड़ना होता है, नॉर्मल मीनिंग तो आती होंगी, गैस अनुमान लगाना होता है। इनमें आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे कि एस लगाओगे? देखते हैं, अपना रूल्स चेक करते हैं। लास्ट में एक्स आ रहा है सर, क्या लगेगा? ई एस लगेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। पास आ रहा है सर, डबल एस आ रहा है सर, ई एस लगेगा, डबल एस इसमें भी ई एस लगेगा। कैच सी एच आ रहा है लास्ट में, ई एस लगेगा, सी एच आ रहा है इसमें भी ई एस लगेगा, डबल एस आ रहा है इसमें भी ई एस लगेगा, यानी कि इन सभी लेटर्स में आपको ई एस ही लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ आपको पढ़ाते जाएंगे। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जांपल जेड का भी ले लीजिए, डी आई डबल जेड यू टी जेड, और भी नाउन भी होते हैं जिनमें जेड आता है, लास्ट वर्ब की बात करते हैं। डी मिस होता है चक्कर आना, कहीं ना बार नहीं बोलते आप,
आई एम गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, डिज मिस चक्कर आ, यूटीजी, सुर, सुर मिलाना, यूटीजी होता है, यूटी जेड, जेड आ रहा है सभी के लास्ट में। अगर आपको इनमें ऐसे एस लगाना है तो क्या लगाओगे, ई एस लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, जेड हो सिंगल जेड हो ई एस लगेगा। बोलो है कि नहीं, फर्स्ट वाला रूल था लास्ट में ओ सी एच सी डबल एच डबल एस एस एच एक्स जेड, सेवन लेटर्स हो तो ई एस लगाना है, इनके अलावा बाकी में एस लगाना है, उसके भी एग्जांपल आपको दे दिए हैं। सेकंड रूल की बात करते हैं, नाउन आपको मैं इसमें नहीं बताऊंगा, नाउन के अंदर ही आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन बनाना सिखाऊंगा। नाउन अलग चीज़ें हैं क्योंकि उनमें एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जैसे रेडियो है। अब आपको होगी सर आपका रूल फेल हो गया, लास्ट में ओ आ रहा है रेडियो में, सर ई एस लगेगा, नहीं ऐसे लगता है, जेड डबल ओ एस लगेगा, फोटो ओ आ रहा है एस लगेगा, क्योंकि एक्सेप्शन है, रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो नाउन में आपको, नाउन में इनकी क्लास आपको बता दी जाएगी, नाउन में ऐसे एस लगाने से नाउन प्लूरल बनता है, वर्ब में ऐसे एस लगाने से तो मिक्स हो जाए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं, वर्ब सिंगुलर होती है, नाउन में ऐसे एस लगाते हैं, नाउन प्लूरल होता है, तो नाउन में काउंटेबल अनकाउंटेबल बताएंगे, वहीं पर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन बनाना सिखाएंगे, उसके चार पांच रूल हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। दोस्तों रूल नंबर टू, ऐसी क्लासें दे रहा हूँ आपको जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, YouTube पे बहुत सारी क्लासें अपलोड हैं, बहुत सारी क्लासें देखने को मिलती हैं, आपको ये पूरे बेसिक फॉर्मूला से मालूम नहीं हो पाती, थोड़े थोड़े कुछ रूल्स बता रहे हैं। कंटिन्यू मेरी क्लास चल रही है, वर्ब पार्ट वन से लेकर अभी थर्ड क्लास है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, वर्ब आपको छः सात क्लास में पूरी वर्ब कराऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है, बेसिक नॉलेज है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रेगुलर फिनिट इनफिनिट सारी वर्ब कराऊंगा, कंप्लीट ऑक्सिलरी का रोल बताऊंगा, मॉडल्स का रोल बताऊंगा, सेमी मॉडल्स का रोल बताऊंगा, वर्ब की फॉर्म्स बताऊंगा, 8-10-12 रूल उनके बताऊंगा, पूरे कंप्लीट वर्ब का फॉर्मेट, फिर उसके बाद में आपकी एरर वगैरह जो होती हैं, एरर ब्लैंक्स भरना, ठीक है, वर्ब को पहचानना, ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानना, सभी आपको मिलेंगी, पूरी कंप्लीट मिलेंगी। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। सेकंड वाला रूल है, किसी वर्ब के अंत में वोवल प्लस वाई हो, वोवल प्लस वाई तो एस लगा दीजिए, एक ही वोवल होना चाहिए, ओनली वन, वन कंसोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को हटा दो, आई ई एस लगा दो, लिख लो साथ साथ, ऐसे रूल्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, साथ साथ लिखते रहो, ड्यूटी है आपकी, ये मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है सिर्फ प्रेजेंट करनी है, आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन कहाँ, सब्सक्राइब पे एडमिशन होता है, लाइक पे क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, साथ साथ करते जाओ, ड्यूटी है आपकी, करो लाइक शेयर करो सब्सक्राइब करो, और मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, आपको पूरी से पूरी डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, देखिए एग्जांपल लेते हैं, पी एल ए वाई ओ बी ई वाई डी आर वाई टी आर वाई एस टी यू डी वाई, और एक दो एग्जांपल होंगे अगले नेक्स्ट में करते हैं, देखते हैं एक बार, लास्ट के अंदर आपको ए वाई, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं, बाकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, 21-26 में से 5 वोवल्स होते हैं, तो बाकी क्या हो गए, 21 कॉन्सोनेंट हो गए, व्यंजन हो गए। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता है सर वोवल क्या होता है, उन बच्चों के लिए भी क्लास है जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, जिनको अल्फाबेट भी नहीं आता, उनके लिए भी है, वोवल स्वर होते हैं, कंसोनेंट व्यंजन होते हैं, बोलो ए क्या है, वोवल है, वाई आपको दे रखा है लेटर, तो आप इसमें लगाओगे पी एल ए वाई एस,
O B E Y S, E Y आया इसलिए, यानी कि वोवल प्लस वाई आता है तो आपको देना है एस, ए आई ओ यू, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी एक वाई हो साथ में एस लगा दो। डी आर कंसोनेंट है आर और वाई है साथ में, तो वाई को हटा दो, आई ई एस कर दो, ट्राइज, ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, स्टडी का हो जाएगा स्टडीज, एस एस ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और एग्जाम्पल देखो, ई एम पी एल ओ वाई सी आर वाई, इनका बनाइए, बनाते हैं। ओ वाई वोवल है तो एम्प्लॉय एस लगेगा, सी आर आई ई एस, वाई को उठाकर आई ई एस, क्यों? क्योंकि इसमें आर कंसोनेंट है, ओ वोवल है, इसलिए तो इसमें एस लगा, इसमें आई ई एस लगा। दोस्तों आपको ये ऐसे ही एस लगाने के दो रूल थे। ऐसे ही एस क्यों लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अरे ये तो क्या है, ये तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ये तो बहुवचन वर्ब है, और ये होती है सिंगुलर वर्ब। शुरू शुरू वीडियो में बताया था, जिन वर्ब के लास्ट में एस या एस लगा होता है सिंगुलर वर्ब होती है, जिनके लास्ट में ऐसे एस नहीं लगा होता है वो प्लूरल वर्ब होती हैं। तो सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे एस लगाया जाता है। आपको बेहतरीन अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करिए एस या एस कैसे लगता है। यस, मेरे साथ दोबारा रिपीट करो सर, लास्ट में ओ सी एच सी डबल एस एस एच एक्स जेड, तो क्या लगाओगे बच्चों? एस लगाना है। इनके अलावा आते हैं तो एस लगाना है। एक वाई का रूल बताया है, वोवल प्लस वाई आता है, ए आई ओ यू में से कोई सा भी एक और वाई, तो एस लगा दो। इनके अलावा कंसोनेंट आता है, ए आई ओ को छोड़ दो, बाकी 21 क्या हो गए? कंसोनेंट हो गए। कंसोनेंट प्लस वाई आता है, वाई को हटा दो, आई ई एस कर दो, क्राइज बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रखें, ओ वाई एम्प्लॉयज एस लगेगा इसमें, क्राई में आई ई एस लगेगा, और भी बहुत सारे वो एग्जाम्पल करवा दिए गए। कुछ वर्ब दे रहा हूं आपको मैं, प्लूरल मैं लिखूंगा, सिंगुलर आप बनाओगे, इनका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आप खुद देख के करोगे इनका क्या होगा। सिंगुलर बनानी है,
ये आपके सामने कुछ वर्ब मैंने लिखी हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, आप इनमें प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में एस लगाना है कि ई एस लगाना है। वाई वाले भी एग्जाम्पल एक दो और दे देता हूँ आपको मैं। और एग्जाम्पल लेने हैं आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल्स। इनके अलावा मोर एग्जाम्पल्स देखने हैं तो पीडीएफ फाइल हमारा टेलीग्राम पे चैनल है अशोका क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएंगी इनकी। जो और भी उनके अलावा और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर ले अशोका क्लासेस, जो यूट्यूब हमारा चैनल है उस पर भी पीडीएफ मिल जा सकती है और आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।